मेरे जी जिस सिस्टर बता रहे कि 5 साल हो गए थे इनकी रीढ़ की हड्डी में गैप था, जिसके कारण से बता रहे कि काफी परेशान थे, जो चेयर पर बैठते थे जो नीचे ज्यादा समय नहीं बैठ सकते थे, और जो बता रहे आज जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया प्रभु की ग्रेस ने को शुरू, जो बता रहे कि आज इनको लग रहा है कि पूरी तरह से परमेश्वर ने इस दर्शन को फ्री भी कर दिया और इन्होंने चेक किया। रीढ़ की हड्डी में मतलब गायब, मनकों में गैप होता है ना जी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उनमें गैप आता है, वो चीज थी। माइक करो। हाँ जी पापा जी। वो थी, और आपके बैठने में वो ना नसवी दबी थी। नसवी दबी थी। हाँ जी। आपको कैसे पता? ब्लॉक को चेक करवाया था। चेक करवाया सी। हाँ जी। और अभी आपने चेक किया जब मैंने बोला कि रीढ़ की हड्डी वाले आज गैप था और नस भी दबी थी, आपने चेक कराया, अभी झुककर आपने देखा था। हाँ। अच्छा, कोई दर्द नहीं हुआ? नहीं, पहले बैठे भी नहीं जाता पापा जी, मतलब थोड़ा टाइम बैंदी कभी लता सिद्धियां कर दी कभी किस तरह। अभी आपने अच्छे से चेक किया है? हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं है? नहीं। ओ, ये बड़ा काम किया है खुदा। अरे ये गैप जो नस दबी थी उन्होंने चेक कराई है, ऐसे होता नहीं ना कि दम से ये झुक जाना, ऐसे होना। ये कौन है? यही वही यीशु है जो तुम्हारे पापों के लिए मरा और मर के जी उठाए, उसके जी उठने की सामर्थ्य हुआ ये बड़ा काम। उत्तम चंदे ने तूफान जो यीशु बोला।